ओपन योर बुक्स एंड स्टार्ट रीड विथ मी। चलो, हियर इज अ फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। यू सी दिस पिक्चर्स वेयर यू फील देयर इज नो नीड ऑफ फोर्स। तुम्हें कहां पे लगता है कि यहां पे फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी? चलो फास्ट बता सकते हो? तो हियर आई डिस्कस दिस थिंग्स। पैडलिंग, फोर्स लगेगा? यस, बहुत ज्यादा लगता है, ये बहुत ज्यादा लगता है, तो ये यहां पे फोर्स है। इट इज अ मस्कुलर फोर्स। ये क्या है? उस बच्चे ने अपने मसल से कर रहा है ना, तो मस्कुलर फोर्स है। कनेक्शन देखिए, दिस इज फोर्स। मुझे कुछ दबाना है, पुश करना है, फोर्स। मुझे किसी को रोल करना है, फोर्स। किक करना है, फोर्स। इट्स रनिंग बिहाइंड द व्हील, व्हील को खेल रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे फोर्स लगेगा। यस, फॉर द रनिंग एंड द बीटिंग, ये दोनों के लिए मुझे फोर्स लग रहा है। हियर देयर इज अ बुलक कार्ट, बुलक कार्ट है ये, और ये कुछ पुल कर रहे, देयर इज अ ग्रास को पुल कर रहे। हियर इज अ एनिमल फोर्स। ये क्या है? एक एनिमल फोर्स है जो काम किया जा रहा है। तो हियर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स वी आर सी इन दिस आवर डे टू डे एक्टिविटीज, और यू फील द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। हम लोग डिफरेंट टाइप्स के फोर्स हम लोग फील करते हैं, बराबर। हर एक जगह पे फोर्स इज एग्जिस्ट, फोर्स ये एग्जिस्ट होता है। हु एक्सर्ट द प्रेशर मूव्स टू बिल्ड बुलक कार फॉरवर्ड, दैट इज बुल, एनिमल फोर्स हुआ। तो ये सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर है। व्हेन वी किक द फुटबॉल कमिंग आवर डायरेक्शन टूवर्ड्स द गोल, वी अप्लाई अ फोर्स। कोई तो फुटबॉल मेरी तरफ आ रहा है और मैं उसको किक करूंगा या होल्ड करूंगा, दैट टाइम वी नीड अ होल्ड फोर्स, मुझे फोर्स की जरूरत पड़ेगी। डे टू डे लाइफ वी मेनी एक्शन सच एज लिफ्टिंग, फोर्स के डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस यहां पे दिए, तो इसको परफेक्टली ध्यान में रखना। लिफ्टिंग, पुलिंग, राइडिंग बाइसिकल, स्टॉपिंग, पुशिंग, स्क्वीजिंग, ब्लेंडिंग, ड्राइविंग व्हीकल, ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ फोर्स, और ये कंटिन्यूस एक्शन हम लोग करते हैं। दीज आर द कंटिन्यूस एक्शन, ये हम लोग कंटिन्यूस एक्शन, ये डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस करते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हो बाइसिकल से, तो बाइसिकल के लिए फोर्स अप्लाई करते हो, यस, बराबर। स्कूल बैग लेके स्कूल के स्टेयर्स चढ़ते हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यस। व्हेन यू आर राइटिंग ऑन अ पेन, राइटिंग ऑन अ बुक, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, यस। मीन्स ईच एंड एवरी टाइम यू आर अप्लाइंग अ फोर्स टू डू अ वर्क, कोई ना कोई काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। मीन्स वर्क एंड फोर्स, ये दो कॉन्सेप्ट आ गए। पहले हम लोग ने मोशन देखा था, मोशन, इससे पहले चैप्टर में मोशन। हियर ऑल्सो मोशन के लिए भी वी नीड अ फोर्स, फॉर द मोशन वी नीड अ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए मुझे फोर्स चाहिए। इट इज नेसेसरी टू अप्लाई अ फोर्स डूइंग ऑल दिस एक्शंस, दैट इज फोर्स इज एप्लीकेबल इन द ऑब्जेक्ट ऑफ पुल और पुश एनी मैनर। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करूं या पुश करूं, इसी में मुझे क्या लगेगा? फोर्स की जरूरत पड़ेगी। आई नीड अ फोर्स, दैट इज नो ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन ऑन इट्स, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, जो आपको अभी नहीं है, नाइन्थ स्टैंडर्ड में आएगा। सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट खुद ही नहीं हिलेगा, यू हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट एंड
the proportion of you applying a force, that proportion में ही वो object move करेगा या उसमें motion होगा. Here force is in play important role. कोई भी stationary object को मुझे movement करना है तो here we need a force. I need a force. That is, force is required to moving an object. Force is used to change the direction. Force is used to change the direction of object in motion or stop. कोई भी object को motion में लेके जाने के लिए या stop करने के लिए we need a force. Okay, simple thing. When penalty kick होती है, penalty kick football में, वो बंदा वहाँ से opposite वाला भाग के आएगा, kick करेगा ball को. Here he kick the ball means push the ball with their force. अब उसने वो force create किया, force transfer into a ball and ball in a motion. ये motion में आ गया. अब इस force को मुझे रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? I need to apply more force than the motion of the ball. So I jump on the ball and catch this ball. That time I need to apply more force to stopping that ball. That time that ball will be stopped. If I use less force, if I use less force than the other object, the object will move forward in the same direction. वो same direction में चला जाएगा और it will change the direction. ये direction change करेगा पर stop नहीं होगा. तो ये force के difference होते हैं. These are the difference of a force. Here it's a spring. Spring को मुझे खींचना है. Need to apply force? Yes. It's a blacksmith. Blacksmith क्या कर रहा है? उसे शेप दे रहा है. शेप दे रहा है टू द आयरन रॉड को. ये आयरन के इंस्ट्रूमेंट को वो शेप दे रहा है. गरम करेगा और उसको हैमरिंग करेगा. मींस इट्स हियर आल्सो यूजिंग अ फोर्स. मींस फोर्स कैन बी चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. यस, फोर्स कैन बी चेंज द साइज of the object. That is, force is necessary to change the shape an object. Object ka shape change karne ke liye I need force. Samajh mein aa gaya yahan tak? Force ka important aur force kaise hota hai? Barabar. To mere paas force mila aur maine uska ek example bhi de diya ki kya karna hai. Force se pull aur push hota hai. Normally pull और पुश किया जाएगा. और हियर वी आल्सो स्टॉप और चेंज द शेप. मुझे किसी को खींचना है तो खींचना मींस पुल कर रहा हूँ, मार रहा हूँ मींस उसको पुश कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? उसको पुश कर रहा हूँ फॉर चेंजिंग देयर शेप. तो ये दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पे मिली. मींस हियर इट्स अ, यहाँ पे मुझे दो फंडे मिल गए. फोर्स is having a pull or push. ये दो प्रकार के force यहाँ पे होते हैं. Here, now we are going to the types of a force. These are the basic type of a force. These are the basic type of force. जैसे हम लोग ने पहले पिक्चर में देखा था, the boy is paddling. वो paddling कर रहा है. Here, it is using their muscles. ये muscles use कर रहे हैं. Kicking the ball, muscles use कर रहे हैं. Okay, तो here first thing it is a muscular force. क्या मिल गया यहाँ पे? Muscular force. In all the action shown in the figure, the movement take place help to the bone and the muscle. किससे बना हुआ है? Bone and the muscle से ये action हो रहा है of the body. So, the person is the pitcher along with the lifting a weight. So,
The force applied with the help of muscle is called the muscular force. जो भी force मैं अपने muscle से apply करूँगा, that's called the muscular force. That is called the muscular force. ये person ने अपने dumbbells उठा के body बना रहे हैं, तो यहाँ पे it's a muscular force. अगर इसके पास muscular force होगा, that time it can be pull. ये उसे pull कर पाएगा, otherwise not. तो यहाँ पे उसका force ज़्यादा होना चाहिए. Next, it is a mechanical force. What is a mechanical force? That is a force applied by the machines. Force applied or created by the machines, it's called the mechanical machines. There is a tractors, mixer, sewing machines, all these are the machines and they are applying a force or they are work by applying themselves a force. Force ko wo वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं. Here, some machines are run by using electricity and the fuel. इसके ऊपर चलती है. Machines like a lathe is called the automatic machines and because of machine force, mechanical force is used here. यहाँ पे कुछ mechanical force यहाँ पे आ गए. The force applied by the means of the machine is called the mechanical force. It's mechanical force. समझो यहाँ पे ये जो tractor है, tractor को क्या चला रहा है? Fuel. Fuel burn होगा. Fuel create energy and this energy use for driving the tractor. इस tractor को चलाने के लिए energy create की गई. First case में क्या था? Muscles में we are eating. हम लोग खाना खाते. Get the energy and pull the weight. So here this energy is converted into this force. यहाँ पे भी क्या हुआ? जो fuel है उससे tractor चल रहा है. Electricity से mixer, swing machines ये भी चलते. तो ये सारे क्या हुए? Force. They are applying a mechanical force to do work. ये work करने के लिए force apply होता है. That is, force is applied by the means of machine is called the mechanical force. Third system, it is a gravitational force. When one ball is throw upwards and you saw that ball is coming down in a straight line. Why this happened? Because there is a gravitational pull. Earth create a gravitational pull. Earth create a gravitational pull. And because of this gravitational pull, जो भी object हम लोग ऊपर छोड़ते डालते force से, वो force खत्म होते ही वो object नीचे की तरफ transfer होना start होता है, attract हो जाता है towards the surface of the earth. Towards the surface of the earth. तो ये हो गया gravitational force. तो here the boy is throwing the ball up and it's coming down in a same direction. अगर ये इसी तरह से गया तो वो same direction. But direction is towards the earth. Earth के surface की तरफ ये direction होगा. तो earth pull all object towards itself. Earth हर एक object को अपनी तरफ खींचती है. That is gravitational pull. The force is applied by the earth to pull the object. Force is applied by the earth to pull the object towards itself is called gravitational force. It's called the gravitational force. जो force से ये apply किया जाता है, means ये force क्या करेगा? ये pull create करता है. क्या create कर रहा है? Pull create कर रहा है on the object. इस object के ऊपर pull create करेगा. And because of that, the object is attracting towards the earth. तो ये हो गया gravitational pull. Here is a Sir Isaac Newton. Isaac Newton
discovered the gravitation in 17th century. The Earth gravitational force act in a direction opposite to the object moving upward. Gravitational force ये काम करता है अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के अपोजिट में काम करता है. हेंस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट जब भी हम लोग बॉल ऊपर डालते हैं वो धीरे 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 स्लो हो जाता है और फिर नीचे आ जाता है. क्यों? बिकॉज दिस ग्रेविटेशन पुल कंटिन्यूसली अट्रैक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंड इट कट द स्पीड. ये उसका स्पीड कट करके जाते हैं एक जगह पे जाकर वो स्पीड. ये जो फोर्स है हमारा, जिस फोर्स से मैंने बॉल ऊपर छोड़ा है वो फोर्स कम हो जाता है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स से ये फोर्स कम हो जाएगा एंड दैट टाइम फोर्स विल बी, दैट इज ऑब्जेक्ट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सरफेस, दैट इज अर्थ सरफेस की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएगा. ओके तो हेंस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग टिल द एंड ऑफ बिकम जीरो एंड देन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फॉलिंग डाउन इंस्टेड ऑफ गोइंग अप एनी फर्दर वाइल फॉलिंग इट्स स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑल टाइम ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. फॉलिंग स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगा एंड कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा. फॉलिंग स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज, वाई? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉन्स्टेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स कमिंग डाउन वेरी स्पीडली. ये स्पीडली नीचे आ जाएगा. समझ में आ गया? इसको समझाऊं? चलो एक इसमें देखते हैं. समझो, दिस इज अ ऑब्जेक्ट. आई थ्रो दिस ऑब्जेक्ट इन अ 10 मैग्नीट्यूड. मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, 10 मैग्नीट्यूड के स्पीड में मैंने इसे फोर्स में ऊपर फेंका. इट्स गोइंग अप. ओके, ये अप 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 जा रहा है. यहाँ तक जाते ही इसका स्पीड, यानी ये 10 मैग्नीट्यूड कट होते जाएगा बाय द ग्रेविटी, दैट इज जी. दैट इज ये स्पीड है, सॉरी फोर्स. Divided by बॉल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया है वो डिवाइड होगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एंड इट्स कंटिन्यूअस डिक्रीज. स्पीड ऑफ अ बॉल कंटिन्यूअस डिक्रीज. ये स्पीड ऑफ बॉल, स्पीड कंटिन्यूअस डिक्रीज, ये डिक्रीज होते जाएगा और एक जगह पे उसका स्पीड जीरो हो जाएगा एंड देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन. इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन बट इन दिस केस ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉन्स्टेंट. ग्रेविटेशनल फोर्स ये कॉन्स्टेंट होता है सो स्पीड ऑफ बॉल कंटिन्यूसली इंक्रीज. यहाँ पे इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा एंड यहां पे ऊपर जाते वक्त वो डिक्रीज होगा. ऊपर जाते वक्त डिक्रीज होते हुए जाएगा, नीचे होते वक्त वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा जब तक इट्स नॉट रीच टू द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस पे जब तक नहीं आता, अर्थ सरफेस पे आते ही ये जीरो हो जाएगा. स्पीड इज जीरो, फोर्स जीरो हो जाएगा. तो यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया ये किस तरह से रूल है. ओके, यही रूल आपको आगे बहुत 9th स्टैंडर्ड में करने हैं.
ओके, तो प्रिपेयर हो जाओ। तो दिस इज कंटिन्यूअस एंड नीचे आते ही वो जीरो फॉल हो गया ऑब्जेक्ट, सिंपल सी चीज है। चलो नाउ लेट्स ट्राई दिस। अब आपको अभी क्या करना है, एक बकेट ले लो, बकेट में एक स्टोन ले लो, बकेट फुल ऑफ द वाटर भर दो, और बकेट के 20 सेंटीमीटर से स्टोन को अंदर डाल दो, छोड़ दो। व्हाट हैपन वो सिर्फ नोट डाउन करो, पानी कितना उछलेगा वो देखो। तो हमें साउंड भी बहुत छोटा आएगा एंड जो पानी की लहरें वो भी कम आएगी, बिकॉज हियर इज अ 20 सेंटीमीटर का यहाँ पे गैप है। तो ये गैप के वजह से यहाँ पे साउंड कम होगा, लहरें कम होगी, मीन्स द इफेक्ट इज लेस बिकॉज ऑफ हाइट हियर। देन यहाँ पे ऊपर पकड़ो और फिर स्टोन को छोड़ दो। अब नीचे गिरते वक्त स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, स्टोन स्पीड इज कंटिन्यूसली इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द जब ये स्टोन इस तरह से पकड़ा मैंने नीचे फेंक दिया, नीचे स्टोन फेंकते स्पीड ऑफ द स्टोन कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। क्या हो गया, स्पीड कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है बिकॉज जो न्यूटन्स के लॉ थे हम लोग ने देखे, ये कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग स्पीड क्या करेगा, यहाँ पे एक इफेक्ट गिरेगा, ढूम करके आवाज आएगा, जोर से नीचे गिरेगा। स्टोन यहाँ पे भी था बट हाइट डिफरेंट थी, यहाँ पे हाइट इंक्रीजेस है, यहाँ पे हाइट कम है। सो द स्पीड ऑफ अ स्टोन और अ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट मीन्स हाइट जो होती है, जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है ना वो उसे स्पीड देगी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, कॉन्स्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से उसे स्पीड देगी। तो ड्रॉप द वाटर स्टोन 100 मीटर एंड सेंटीमीटर साउंड, तो इसका डिफरेंस देख लो, द एक्शन द लिफ्टिंग ऑफ द सैक ऑफ द पिक्चर, वन सैक इज अ लुक एम्प्टी एंड अदर अनदर इज अ वेटेड। तो क्या होता है, जो एम्प्टी सैक होगी उसमें हमें वेट नहीं लगता, सिंपल चीज है, एक बैग ले लो आपका स्कूल बैग, उसमें सिर्फ दो बुक्स रख दो, पतली पतली दो बुक्स रख दो, यू कैन ईजीली वेयर एंड यू कैन ईजीली मूव। क्यों, बिकॉज द मास और वेट ऑफ द बैग, बैग का वेट ये बहुत कम है, बैग का वेट ये बहुत कम है एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज वी कैन ईजीली मूव। बट अब आपके 20 बुक्स उस बैग में रख दो एंड ट्राई टू मूव, फील वेट, बहुत उसका वेट फील होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ द बैग वेट, बैग का वेट बढ़ गया, बैग के वेट के वजह से द ग्रेविटेशनल फोर्स इसको और अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, और अट्रैक्ट करेगा, और इस वजह से हमें वो ज़्यादा फील होता है। तो ऑन दिस केस ऑल्सो दिस पर्सन कैन स्टैंड स्ट्रेट बट बिकॉज ऑफ द वेट इट्स पर्सन ये थोड़ा झुक गया, बिकॉज ऑफ द वेट, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन, दैट इज ग्रेटर द फोर्स मस्ट बी अप्लाई टू लिफ्ट अ ग्रेटर वेट। मुझे फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा वेट को मीन ज़्यादा से ज़्यादा वेट होगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज ग्रेटर द फोर्स मस्ट बी अप्लाई टू लिफ्ट
greater weight. Weight apply, greater weight को lift करना है तो greater force को भी apply करना पड़ेगा. Now, this is a spring balance. This is an example of spring balance. Spring balance में क्या होता है? तो spring balance एक इस तरह से object होता है. समझो ये स्प्रिंग बैलेंस मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया. दिस इज स्प्रिंग बैलेंस. ओके, यहाँ पे कुछ नंबर्स होते 1 kg, 2 kg एंड हियर इज ये उसका ये रहेगा मींस नंबर्स के लिए. अब यहाँ पे इसका ये होना चाहिए पॉइंटर एंड हियर इज अपर साइड में एक स्प्रिंग होगी. अपर साइड में एक स्प्रिंग होगी, स्प्रिंग को वो हुक किए होते हैं. सिंपल इसका एग्जांपल बताता हूँ कैसे होगा. तो ये इस तरह से स्प्रिंग होती है एंड स्प्रिंग इज कनेक्टेड विद द दिस मींस ये इस तरह से होगा. ये इस तरह से होता है. अब इसे हम लोग ने यहाँ पे हैंग किया. ओके, अब आपके दो बुक्स को यहाँ पे हैंग कर दो. यहाँ पे मैंने हैंग कर दिया तो इसका वज़न ज़्यादा से ज़्यादा हमें कितना भी हैवी हो तो 1 kg, चलो 1 kg पकड़ लिया. क्यों? Because these books are attracted towards the surface. तो ये gravitation भी यहाँ पे आ रहा है. क्या आ रहा है? Gravitational force. Means जितना object heavy होगा it's create gravitation, उतना ही force उसके ऊपर सबसे ज़्यादा लगाएगा. Okay? तो ये मिला मुझे कितना हुआ? 1 kg. चलो इसको फर्स्ट एग्जाम्पल लिया 1 kg. अब दूसरी बार मैंने यहाँ पे 20 बुक्स रख दिए, 20 बुक्स यहाँ पे हैंग कर दिए, ऑब्जेक्ट को हैंग कर दिया एंड हियर आई गॉट देयर आर द 10 kg. कितने हुआ? 10 kg. मीन्स क्यों? Because of the increasing the weight of object, gravitational force also increases and they are pulling the force, that is a pulling the object. इस object को वो नीचे pull करेगा. Okay? And here ये क्या होगा? यहाँ पे weight दिखाई देगा. चलो अब एक ये देखते हैं. मैंने ये चीज लेके चांद पे चला गया, मून पे चला गया. अब ये कहाँ पे आ गया? मैं मून पे मैंने इस 20 बुक्स को वजन किया. ओके, तो मुझे इसका वेट मिला 2 kg. क्यों? ये जो 20 बुक्स का वजन है ना, मेरे को वहां पे 2 kg ही मिला बट अर्थ पे मुझे उसका वजन 10 kg मिल रहा है. व्हाई? व्हाट इज द डिफरेंस? बिकॉज अर्थ हैविंग अ ग्रेविटेशनल पुल एंड मून डज नॉट हैव अ ग्रेविटेशनल पुल एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस. ये डिफरेंस है. मीन्स आपका वजन अभी बहुत ज्यादा है तो डाइटिंग करने की कोशिश मत करो, चांद पे चले जाओ, वजन कम हो जाएगा. ओके, तो ये पार्ट है जोक, ये जोक का पार्ट है तो ज़्यादा सीरियसली मत लेना. तो यहाँ पे क्या होगा? इस ग्रेविटेशन पुल हमें क्या देता है? एक वेट क्रिएट करता है. क्या क्रिएट करता है? वेट. चलो तो ये समझ में आ गया, ग्रेविटेशन पुल के वजह से हमें क्या मिलेगा?
वजन मिलेगा, ग्रेविटेशन पुल की वजह से हमें वजन मिलता है. द ऑब्जेक्ट कम टू द रेस्ट व्हेन द टेंशन एंड द स्प्रिंग दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम इक्वल. इन दिस पोजिशन स्केल ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस शो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज द वेट. इसे ही वेट कहते हैं. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपरेट बिटवीन द सन एंड मून एंड सन एंड अर्थ ऑल्सो. ग्रेविटेशनल पुल ये सन और प्लैनेट में भी होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर रिवॉल्व अराउंड द सन. बिकॉज ऑफ दैट दे आर रिवॉल्व अराउंड द सन. अब बिकॉज ऑफ दिस प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इट इज द सेम टाइम ग्रेविटी ऑल्सो ऑपरेट बिटवीन द प्लैनेट. ये ग्रेविटी ऑपरेट होती है बिटवीन द प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट एंड दैट इज व्हाई डोंट ऑल प्लैनेट एंड सैटेलाइट फॉल टूवर्ड्स द सन. व्हाई डिड द प्लैनेट और सैटेलाइट नॉट फॉल? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस. दिस इज अ आंसर. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और उसका ये आंसर है. बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन के वजह से ग्रेविटेशन है सन में. सन की ग्रेविटेशन के वजह से वो रिवॉल्व करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस दे आर नॉट फॉल इन द सन के ऊपर वो गिरते नहीं है. विच फोर्स इज एक्टिंग अपॉन द एरोप्लेन टेकिंग टेक ऑफ इन अ स्काई? ग्रेविटेशन पुल होता ही है. ग्रेविटेशन होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है. तो ये दोनों भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट करते हैं. ओके चलो अब यहाँ तक हम लोग ने नेचुरल फोर्सेस देखी. क्या देखी? नेचुरल. अभी ग्रेविटेशनल पुल में और एक होता है कि जैसे सन मास जो होता है ना ऑब्जेक्ट का मास, मास मीन्स क्या? वेट. वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हम लोग ने यहाँ पे भी देखा. मास ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे मेरा वजन और अर्थ का वजन डिफरेंट है, बराबर. मेरा वजन, मेरा वेट और अर्थ का वेट डिफरेंट है. अर्थ का वेट हेवी है, मैं छोटा हूँ. सन का वेट और अर्थ का वेट डिफरेंट है. यस, सन इज अ बिगर देन द अर्थ. तो सन हैवियर होगा देन द अर्थ. तो फोर्स कहाँ पे क्रिएट हुआ? हैवियर ऑब्जेक्ट. यस, हैवियर ऑब्जेक्ट पे क्रिएट हुआ ना. तो सन क्या हुआ? हैवियर ऑब्जेक्ट है और इस वजह से ये अर्थ को खींच लेता है. ओके, तो सिंपल एक चीज बताता हूँ. एक सिंपल, एकदम सिंपल फंडा है ग्रेविटेशन फोर्स का. यहाँ पे हम लोग जो भी देख रहे हैं ना, जो लाइटेड चीज है, मीन्स लाइट चीज, हैवी चीज लाइट चीज को अट्रैक्ट करती है. सिंपल है, एक साड़ी ले लो, साड़ी, मम्मी की साड़ी वगैरह रहेगी तो उसको, या चुनरी ले लो और उसको चार कोनों से बांध दो. स्ट्रेट होनी चाहिए, स्टार्ट स्ट्रेट होकर उसको इसी तरह से बांध दो, स्क्वायर में वो बन जाएगी, बराबर. अब एक प्लास्टिक का बॉल ले लो और चुनरी के किसी भी एंगल में रख दो, किसी भी एंगल में रख दो. रख दिया. अब यहाँ पे क्या हुआ? चुनरी थोड़ी नीचे चली गई, बराबर. अब और एक ले लो, एक फुटबॉल ले लो. फुटबॉल कौन सा? ओरिजिनल, जो इसका वजन बहुत हैवी होता है. अब ये जो है ना कौन, अर्थ को हम लोग ने मान लिया ये प्लास्टिक का बॉल है और सन को मान लिया ये फुटबॉल है और उसे बीचों बीच रख दो. कहाँ पे बीचों बीच रखना है? उस चुनरी के, बांधे हुए चुनरी के बीच में रख दो. क्या होगा? इट्स गोइंग डाउन एंड अर्थ जो प्लास्टिक बॉल है ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. हेवियर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट, हेवियर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट. और यही ग्रेविटेशन का बेसिक सिद्धांत है. दिस इज ग्रेविटेशन का एक बेसिक
रिपोर्ट है ये, तो ये अट्रैक्शन होता है। अब ये गिरते क्यों नहीं, बिकॉज ऑफ द मोमेंट। जैसे इरेजर लो, इरेजर को एक थ्रेड बांधो, ओके, और इस थ्रेड को पकड़ के घुमाओ। जब तक ये घूमते रहेगा, आई एम अ हेवियर ऑब्जेक्ट, मैं हेवियर ऑब्जेक्ट हूँ, थ्रेड लाइटर ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसको छोड़ दिया तो मेरे ऊपर गिरेगा, यस, तो मैं उसको घूम रहा हूँ मेरे ऊपर, ओके, जैसे मैंने स्टॉप कर दिया, जब तक घूम रहा है वो रोटेट कर रहा है, जब मैंने छोड़ दिया वो नीचे गिर गया। सिंपल थिंग, बिकॉज ऑफ द स्पीड के वजह से ये गिरते नहीं हैं। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, प्लेस द मैग्नेट ऑन द टेबल एंड द बिग आयरन नेल टुवर्ड्स द मैग्नेट। मैग्नेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक्स कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, जैसे आयरन नेल होता है, जो नेल होता है उसे मैग्नेट, मैग्नेट की एक पावर होती है जो निकेल, आयरन, निकेल और कोबाल्ट, ये मिनरल से जो भी है उसको अट्रैक्ट करना, उसे क्या करना, अट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे आयरन नेल रखा होगा, यहाँ पे दूर मैंने मैग्नेट रखा तो उस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स में और भी क्या होता है, देर इज अ और एक फंडा मैं आपको बताता हूँ। दो बार मैग्नेट आपके पास होने चाहिए, दो बार मैग्नेट, यू कैन प्ले अ डिफरेंट रोल, आप एक मस्त रोल खोलोगे। ये दो बार मैग्नेट है मेरे पास, ओके, मैग्नेट हैविंग टू पोल्स, वन नॉर्थ अनदर इज अ साउथ। तो मैंने बार मैग्नेट को इस तरह से रखा, दिस इज अ नॉर्थ, दिस इज अ साउथ, ओके। नाउ हियर ऑल्सो आई कीप देम नॉर्थ एंड साउथ एंड ट्राई टू टच बोथ द पोल, नॉर्थ नॉर्थ पोल, दे आर नॉट रिपेल, वो एक दूसरे से दूर ही चले जाएंगे। जबरदस्ती चिपका दोगे ना तो भी वो दूर भाग जाएगा, क्यों, नॉर्थ नॉर्थ पोल लाइक पोल रिपेल, वो एक दूसरे को दूर कर देंगे। पर अगर मैंने यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, और यहाँ पे मैंने साउथ पोल ले लिया, यहाँ पे नॉर्थ पोल ले लिया, क्या होगा, दे आर अट्रैक्ट। तो ये अपोजिट पोल अट्रैक्ट एंड लाइक पोल रिपेल, ये दूसरा एक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स ही होता है। चलो ना फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन होता है हर एक ऑब्जेक्ट में। जैसे मेरा हाथ है, मैंने उसको रबिंग किया, क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, बराबर, ये फ्रिक्शन से क्या होगा, हीट क्रिएट होगी, ओके। तो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, मींस ईच ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के पास फ्रिक्शन करेगा, देन फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन अ अपोजिट ऑफ अ मोशन ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट काम करेगा, कौन, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, ओके। तो व्हेन द कैरम, ये जो कैरम है, कैरम के स्ट्राइकर होता है, कॉइन्स होते हैं, अब इस पर मैंने पाउडर नहीं रखा है, पाउडर डालते वो नहीं डाला, कैरम पाउडर यहाँ पे मैंने नहीं डाला, स्ट्राइक किया, जो स्ट्राइकर था वो इतना स्मूथली नहीं घूम रहा है, वो थोड़ा घूम के रुक गया, ओके। नाउ क्यों, बिकॉज देर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन माई स्ट्राइकर एंड द दिस कैरम
वुडन प्लैंक, ये वुडन के बने होते, तो वुडन के फाइबर्स होते हैं तो वो इतने स्मूथ नहीं होते, एंड दैट्स क्रिएट द फ्रिक्शन. ये क्या क्रिएट करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करेगा, एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स ट्राइंग टू स्टॉप माय स्ट्राइकर. ये स्ट्राइकर है उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा. मीन्स दे आर ऑलवेज एक्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? ऑलवेज एक्ट ऑन अ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वो काम कर रहा है. चलो तो अब ये काम कर रहा है तो ठीक है, अब मैंने उसके ऊपर पाउडर डाल दी मस्त में, और फिर मैंने सेम स्पीड में स्ट्राइक किया. अब ये स्ट्रेम स्ट्रिक का स्ट्राइकिंग स्मूथ हो रहा है. एक 3-4 राउंड तो स्ट्राइकर ने कर लिए. ओके, अब ये 3-4 राउंड कैसे हुए? तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हुआ, हुआ पर बहुत कम हो गया. क्यों? दिस ये जो पाउडर थी उसने दोनों के बीच का फ्रिक्शन को कम कर दिया. क्या कर दिया? कम कर दिया. एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सम ल्यूब्रिकेंट आल्सो इन अ मशीन टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. रिड्यूस अ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए आप लोग भी साइकिल में ऑयल वगैरह डालते हो ना, रिड्यूस द फ्रिक्शन. तो ये फ्रिक्शन होता है जो हमारी स्पीड को रोकने की कोशिश करता है. ओके, तो हियर रिड्यूस द फ्रिक्शन. द बॉल ऑफ रोलिंग इन द फ्लैट ग्राउंड एंड द स्टॉप व्हेन द टू सरफेस, हियर इज व्हेन टू सरफेस आर रब अगेंस्ट ईच अदर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम इन टू प्ले. व्हेन टू सरफेस वन एंड टू क्या क्रिएट कर रहा है? फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है. व्हेन टू सरफेस आर रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है. ये ऐसे ऐसे एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं क्रिएट करेगा. नीड अगेंस्ट, रब अगेंस्ट ईच अदर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम इन टू अ प्ले. इट ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन मीन्स मोशन के अपोजिट में ये काम करेगा. पहला मोशन दूसरे मोशन को कट करने की कोशिश करेगा. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन इज क्रिएटेड. इसी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है. इसी वजह से क्या होता है, जब हम लोग साइकिल पे साइकिल चला रहे, ब्रेक लगाते, व्हील स्टॉप हो गए बट साइकिल मूव हो रही है थोड़ी और आगे जाके रुक गई. क्यों? बिकॉज ऑफ द ब्रेक अप्लाइंग ऑन द व्हील्स, व्हील स्टॉप हो गए बट ग्रिप जो मूवमेंट था मोशन उसे पकड़ा. तो ये रोड क्या कर रहा है? उसको रोकने की कोशिश कर रहा है. जो रोड्स होते हैं ना वो उसे रोकने की कोशिश करता है और वो निकल जाता है. इवन यू सॉ द, आपने बहुत साइकिल चला रही, 2-4 साल में टायर जो होता है साइकिल का वो उसकी जो डिज़ाइन होती है ना वो फेंट होने लगती है, प्लेन हो गया. क्यों? बिकॉज दे आर कंटिन्यू फ्रिक्शन. ये जो साइकिल के टायर्स, गाड़ी के टायर्स होते हैं ना, वो कंटिन्यूस फ्रिक्शन करते विद द रोड. रोड के साथ फ्रिक्शन होते रहता है और यही फ्रिक्शन का काम है. देयर इज अ अपोजिट डायरेक्शन. व्हेन द ब्रेक अप्लाई व्हाइल द राइडिंग द बाइसिकल इट स्टॉप आफ्टर द रनिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस. हाउ द ब्रेक इज वर्क, दैट इज फ्रिक्शन. ये ब्रेक भी क्या करते हैं? फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते इन अ ब्रेक पैडल्स एंड द व्हील और द रिम में ये फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं. अब यहाँ पे टू स्मूथ पेपर ले लो एंड सैंड पेपर, दो स्मूथ पेपर ले लो और फ्रिक्शन करो, कुछ होगा? नहीं. अब सैंड पेपर को घुसो, फ्रिक्शन होगा? यस. तो ये रफ ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन मोस्टली कहाँ पे होगा? रफ ऑब्जेक्ट एंड स्मूथ ऑब्जेक्ट, या रफ, दोनों भी रफ ऑब्जेक्ट हो गए तो फ्रिक्शन अच्छा होगा, स्मूथ ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन
कम हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दिस दिस बॉय इज स्लीप. स्लीप क्यों हो गया? बिकॉज दिस बॉय, ये बॉय ने क्या किया, ये बच्चे ने बनाना पील्स के ऊपर रख दिया पैर. अब बनाना पील्स क्या हो गई, स्लीपरी होती है, वो स्लीप हो गया एंड इट्स लूज द फ्रिक्शन एंड इट्स फॉल डाउन. इसने अपना फ्रिक्शन लूज कर दिया, इसी वजह से अपने जूते भी रबिंग के वजह से घिस जाते ना, तो यही होता है. तो हियर द स्मूथ सरफेस कैन ईजिली रब अगेंस्ट ईच अदर, बट यहाँ पे उसका फ्रिक्शन बहुत कम होगा, बट रफ सरफेस गेटिंग द मोर फ्रिक्शन, ये बहुत फ्रिक्शन करते हैं. इट इज़ पॉसिबल फॉर वॉक ऑन द ग्राउंड ओनली बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. हम लोग ग्राउंड पे चल पाते हैं, हम लोग ईजीली चल पाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. हम लोग ईजीली चल पाते हैं क्यों, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. इफ देर इज नो फ्रिक्शन वी वुड स्लिप एंड फॉल, ये स्लिप एंड फॉल हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल वी आर वेरी लाइकली टू स्लिप वाइल वॉकिंग ऑन द ऑयली एंड वेट फ्लोर. किसी फ्लोर पे पानी गिरा है तो क्या होता है, मम्मी बोलती है ना बच्चा संभाल के वहाँ पे पानी गिरा है, क्यों, बिकॉज पानी क्या करेगा, ये जो फ्रिक्शन है ना हमारा पैर का और फ्लोर का, जो फ्रिक्शन था ना वो कम कर देगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी स्लीप, मीन्स व्हेन हमें चलने के लिए भी फ्रिक्शनल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मल वॉकिंग में भी वी नीड अ फ्रिक्शनल फोर्स, बराबर हमें फ्रिक्शनल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. चलो इफ देर इज अ नो फ्रिक्शन वी विल स्लिप एंड फॉल. चलो नाउ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज जनरेटेड बिटवीन व्हील एंड द वुडन प्लैंक लेड डाउन अंडर द कार, हियंस देर कैन बी पुल आउट द मड. जैसे मड में कभी कीचड़ में गाड़ी फंस जाती है, गाड़ी जो ये होते राइडर्स होते जो जंगल में एक्सप्लोर करने को वगैरह जाते हैं, तो बहुत बार उनकी गाड़ियाँ मड में फंस जाती है, तो वे क्या करते हैं, वहाँ पे टायर के पास एक तो स्टोन्स लगा दिए जाएंगे या एक वुडन प्लैंक लगा दिया जाता है. अब यहाँ पे उनकी गाड़ियाँ होती है 4x4 जो जंगल में चलती है, हमारे पर हम लोग रोड पे भी 4x4 नहीं चलाते, तो यहाँ पे जंगल की गाड़ी वो 4x4 होती है. अब ये इजीली वहाँ पे फ्रिक्शन पकड़ लेती है, टायर क्या कर लेते हैं, फ्रिक्शन पकड़ लेते हैं और वो इजीली बाहर आ जाते हैं. ओके मड में टायर क्यों ये होता है, फंस जाता है, बिकॉज इट्स गेट नॉट गेट अ फ्रिक्शन. मड में क्या होता है, स्लीपरी हो जाता है और वो टायर उसी तरह से घूमते रहेगा बट मूवमेंट नहीं होगा. मीन्स मूवमेंट के लिए मुझे क्या चाहिए, आई नीड अ फ्रिक्शन. फॉर मूवमेंट वी नीड अ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है. हेंस द पुल आउट फ्रॉम द मड, इन शॉर्ट द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन कैन आइदर बी डिक्रीज और इनक्रीज बाय डिज़ायर. तो इससे क्या पता चला हमें, फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं. बढ़ा सकते हैं कैसे, रफ सरफेस क्रिएट करके, ब्रेक पैडल्स यूज कर दिए, साइकिल रुक गई, मींस हियर यूजिंग अ रफ सरफेस को रफ सरफेस से करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे तो वो रुक जाएगा. बट मूव कैसे करेंगे, कैरम पाउडर स्लिप कर दिया उसको, तो ये फ्रिक्शन लूज हो जाएगा. एंड हियर वी कैन लूज द फ्रिक्शनल फोर्स और इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रिक्शनल फोर्स एज आवर डिज़ायर, हमारे डिज़ायर के अनुसार हम लोग कर सकते हैं. नेक्स्ट इट इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. व्हाट इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक यू नो देर इज़ अ
each and every product is made up of atom. Atom से बने होते हैं. Atom में positive और negative charge होता है. क्या होता है? Atoms में positive और negative charge होता है. When we are rubbing with any other product, it's get the heated. हम लोग ने जैसे यहाँ पे देखा, it's create the heated. But this product is not create the electrostat. But some products create the electrostatic, like your plastic scale ले लो या comb ले लो plastic का, dry hair से उसको rub करो. क्या करना है? Dry hair से रब करो. देन कुछ कागज के टुकड़े ले लो, एकदम छोटे छोटे होने चाहिए, बड़ा पेपर मत रख दो, कुछ नहीं होगा, छोटे छोटे टुकड़े हो क्योंकि ये चार्ज बहुत कम होता है, और उसके पास लेके जाओ, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे और ड्राई हेयर पे उसको रब करो, अपने बॉडी हेयर के ऊपर घुमाओ, हेयर्स ऐसे ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हैं उस स्केल की तरफ. This is a static electrocharge. इसको static क्यों कहते हैं? Simple thing है, this charge, it is a temporary. ये charge क्या होता है? Temporary होता है. दूसरा, it is not flowing. ये flow नहीं होता है. एक object से दूसरे object में नहीं जाएगा. ये flow नहीं होता है. वो automatic discharge हो जाएगा. तो थोड़ी देर के बाद वो discharge automatic हो जाता है. It's a static electro charge. Okay, so spread all the piece of paper in table, rub and the inflated balloon. आप यहाँ पे उन्होंने thermocol, inflated balloon, silk cloth वगैरह ले लिया है. Inflated balloon, balloon को भी इस तरह से सर पे रब करो. You can stick the balloon on a wall. Wall पे वो ऐसे ही चिपक जाएगा. Try कर सकते हो घर पे. Then rub the peacock feathers between the two pages and the note. In the above activities, the piece of paper, hair and the peacock feather are seen to be move. हमें move करते हुए नजर आएंगे. Why? Because of electrostatic. Static energy, static electricity is produced on a material like rubber, plastic and ebonite due to friction. Static current or static energy is created because of friction, created because of the friction. जैसे हम लोग ने पहले friction में क्या देखा, गर्म हो रहा है, तो यहाँ पे friction के वजह से energy भी create होती है. The force exerted by such electrically charged material called electrostatic. इसको इलेक्ट्रिक चार्ज मटेरियल जो क्रिएट होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दैट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. हियर वी डिड द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स. हम लोग ने कुछ मस्कुलर फोर्स देखे, कुछ मैकेनिकल फोर्स देखे, मैग्नेटिक फोर्स देखे. ये सारे डिफरेंट फोर्स हम लोग ने देख लिए, बट सेपरेट देख लिए. नाउ हियर इज अ कंबाइन फोर्स. अब ये कंबाइन फोर्स क्या होता है? व्हाट इज अ कंबाइन फोर्स? कंबाइन होना मींस क्या होना? हम लोग डिफरेंट फोर्स को एक साथ अप्लाई करेंगे. व्हेन वी आर अप्लाइंग दिस फोर्स, डिफरेंट फोर्स एट वन टाइम. चलो क्या देखेंगे? मेरे पास एक फ्यूल है, फ्यूल से एक रॉकेट मैंने बनाया, फ्यूल को बर्न करके मैंने एक रॉकेट बनाया. हियर फ्यूल जनरेट एनर्जी बिकॉज ऑफ बर्निंग एंड रॉकेट यूज दैट एनर्जी फॉर मूविंग. तो यहाँ पे कंबाइन हो गया, दोनों कंबाइन हो गए. मस्कुलर फोर्स, मैंने एरोप्लेन बनाया, एक कागज का एरोप्लेन बनाता हूँ और अपने मस्कुलर फोर्स से बहुत दूर तक फेंक देता हूँ. अब यहाँ पे मैंने फेंकने के बाद वो फ्लाई हो रहा है. क्यों? बिकॉज ऑफ द एयर. और धीरे धीरे नीचे आ गया बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स.
तो दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट कंबाइंड फोर्स ये काम आते हैं. देयर इज व्हाइल एंड द एक्शन ऑफ टेकिंग प्लेस वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट. यू माइट हैव सीन द रोलर कोस्टर और द जगलिंग ऑफ द स्केल बोर्ड एंड सी शोर. आपने देखा होगा. तो द वेराइटी ऑफ फोर्स एक्ट टूगेदर इन द केसेस. डिफरेंट डिफरेंट फोर्स उसके ऊपर एक्ट होते हैं. टू कंबाइन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टिक साइंस. तो गूगल के टिक साइंस में जाकर आप कंबाइन फोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. अब कट आउट द फिश शेप एंड द कलर द प्लास्टिक शीट. पिन द वन साइड ऑफ द फिश एंड टेक द वाटर इन अ डीप प्लेट. उसमें रख दो. रिलीज द फिश इन इट एंड दे विल फ्लोट ऑन द वाटर. टेक अ मैग्नेट. उसके नीचे रखना है मैग्नेट को. मैग्नेट को उसके नीचे रखना है. एंड मूव अराउंड द वाटर. क्या होगा उसके बीच में क्या है? पिन है. फिश के बीच में क्या है? पिन है. अब ये पिन के वजह से जिस तरह से आप मैग्नेट घुमाओगे वो पिन दैट इज अ मेटल है. वो आयरन मेटल है. आयरन अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट. बराबर ना. आयरन क्या होगा? अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द मैग्नेट. और ये उसकी तरफ जहाँ जहाँ मैग्नेट घूमेगा वहाँ वहाँ वो मैग्नेट आयरन घूमते जाएगा और उस तरह से वो पिन मूव होगी. तो ये पिन उस तरह से मूवमेंट में आएगी. तो ये जादू होगा कि नहीं? यस. तो इससे आप डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हो. इवन यू कैन यूज वन थिंग. क्या कर लो? एक है ना, ये ले लो, मैग्नेट ले लो, एक डॉल में बिठा दो. क्या कर दो? डॉल में एक डॉल ले लो और उसमें मैग्नेट बिठा दो. कैसे बिठा दो? नॉर्थ पोल डाउनवर्ड साइड में होना चाहिए. नॉर्थ पोल डाउनवर्ड साइड में होना चाहिए. ओके. अब ये डॉल स्टडी होगी. मैग्नेट उसमें छुपा दिया आपने. अब एक पेपर ले लो. पेपर शीट पे ये डॉल रख दो. क्या कर दो? पेपर शीट पे ये डॉल रख दो. एंड नीचे से दूसरा मैग्नेट लेके जाओ. अब ट्राई टू मूव. यस, इट कैन बी मूव. एंड उसे जंप करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल की तरफ लेके जाओ. वैसे ये डॉल रिपेल करेगी, जंप करेगी. क्या होगी? जंप करेगी. तो नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल को मींस लाइक पोल क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. लाइक पोल्स रिपेल एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट. तो ये रिपेल क्यों करेगा? बिकॉज इट्स अ लाइक पोल. तो वो दूर जाने की कोशिश करेगी. डॉल क्या करेगी? दूर जाने की कोशिश करेगी. ओके. तो ये कर सकते हो. और एक है रेसिंग कार्स. कार की रेसिंग्स भी आप उसमें कर सकते हो विद द मैग्नेट. तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती है. चलो, हियर वी कंप्लीट अवर चैप्टर. तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर दैट इज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट एनी एक्शन. फोर्स हमें चाहिए टू ब्रिंग अ एनी एक्शन. कोई भी एक्शन क्रिएट करने के लिए मुझे फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. फोर्स इज नेसेसरी फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट मूव और चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन. ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है. ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ अ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करने के लिए भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स सच एज मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक. ये सारे फोर्स हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए. क्लियर? डिस्कस हो गया. चलो, तो हियर वी फिनिश दिस चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. बहुत ईजी चैप्टर था. ओके. एंड मैंने आपको कुछ दूसरे टिप्स भी दिए, वो आपको घर पे आप कर सकते हो. तो उससे न्यू न्यू थिंग्स एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, है ना. चलो,
तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच. गुड डे.